चलो शुरू करें। हाउ मेनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। अब बेटा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है, कृपया ध्यान दीजिए। पहले तो आप ये समझिए कि मुझे फाइव डिजिट नंबर बनाना है, तो ये हो गए फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट और फाइव डिजिट। क्या बात समझ में आ रही है? अब उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट टू डिजिट्स जो हैं वो 67 होंगे ही होंगे, तो यहां तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ऑप्शन कहां बचा बेटा? नेक्स्ट थ्री डिजिट्स पर। अब रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, तो बेटा ना ही मैं यहां पर 6 पुट कर सकता हूं और ना ही मैं यहां पर 7 पुट कर सकता हूं। मैं यहां पे क्या पुट कर सकता हूं बेटा? 0 to 9 जरा समझिए। वी हैव कौन कौन से नंबर्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। यही है भाई। अब बेटा मेरी बात जरा ध्यान से समझना, मैं 5 नंबर्स बना रहा हूं यहां पर, ठीक है? 1, 2, 3, 4 और 5। अगर मुझे बेटा यहां पर 67 रखना ही रखना है, तो मेरे पास यहां पर कितने ऑप्शन है? सिर्फ एक, 6 ही रख सकता हूं और कुछ भी नहीं रख सकता। यहां पर बेटा मेरे पास कितने ऑप्शन है? सिर्फ एक। क्या पुट कर सकता हूं? 7 पुट कर सकता हूं। यहां पर बेटा मेरे पास कितने ऑप्शंस है? मेरा जो मन करेगा मैं करूं, 0 पुट करना चाहता हूं, 1 पुट करना चाहता हूं, 3, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेटा टोटल डिजिट्स हैं 10, 10 में से 2 निकल गए, कितने बच्चे बेटा? 8। यहां पर कितने बच्चे बेटा? 7 और फिर क्या बचे? 6। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बेटा डिजिट फॉर्म होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, लिखोगे कैसे आप? वी हैव 10 डिफरेंट नंबर्स, बट वी कैन फिल ओनली 1 डिजिट 1 नंबर जो कि क्या है? 6 इन दी बिगिनिंग। स्टार्टिंग में बेटा मैं सिर्फ 6 पुट कर सकता हूं एंड 7 एट सेकेंड पोजिशन। तो यहां पर बेटा मैं सिर्फ 6 पुट कर सकता हूं, यहां पर सिर्फ 7 पुट कर सकता हूं, ठीक है? बट एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन is not allowed। तो बेटा अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो बेटा यूनिट डिजिट पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, चलो यहां पर तो 1-1 हो गए, ठीक है? यहां पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 8 ऑप्शंस हैं। कुछ भी पुट कर सकता हूं, यहां पर 7 और यहां पर 6। तो आप लिखोगे वी हैव 8 वेज to fill units digit, 7 ways to fill tens digit या tens place जो आपका मन करे वो लिख देना, comma 6 ways to fill hundreds place and only one way to fill कौन सा? thousands and 10,000s place।
ठीक है। तो बेटा बाय अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अब इसको इरेज कर दूं, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। कितने वेज हैं हमारे पास? हाँ जी देखो इधर, 1 × 1 × 6 × 7 × 8 वेज, तो टोटल कितने हो गए बताओ जरा? 336 वेज। तो हम बेटा इन 10 डिजिट से 336 डिफरेंट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, जिनमें स्टार्टिंग में बेटा क्या आएगा? 67। बताइए किसी बच्चे को दिक्कत? दो बार क्या लिख दिया? कैन, अरे ना ना, ये कैन पीने वाली कैन नहीं है, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो नोट करो,